जल गया, जल्दी करो नैनो। मुझे माफ करना, एसी खराब हो गया है, मैकेनिक आता ही होगा। नैनो नैनो का सर्किट बहुत गर्म हो गए हैं, उसे चार्ज करना होगा। हो, मेरी आंखें भी गर्म हो गई है, ये कैसे मुमकिन है? मेरे नजदीक मत आओ बैद, तुम्हारा जिस्म गर्म है। मेरी जान मुकम्मल हो गई, ये गर्मी कम कर देगी। क्या ये ब्लेंडर है? हाँ, हम जायकेदार ठंडी चीजें बनाएंगे। दरअसल ये ब्लेंडर नहीं है। हाँ, मगर वैसा दिखता जरूर है, इसे क्रायो एक्सीलेटर कहते हैं। क्रायो मैं क्या? अच्छा तो रुको, मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ, मुझे थोड़ी सी बर्फ चाहिए। लजीज ठंडी घास। ये क्रायो एक्सीलेटर एक किस्म का छोटा फिशन रिएक्टर समझो, उल्टा चलने वाला। मैं समझा नहीं मंसूर। देखो, आमतौर पर एनर्जी गर्म होती है आफ्ताब के मानिंद, खास तौर पर आज। लेकिन हम सर्द एनर्जी को भी ढाल सकते हैं। देखो, ये मैं तुम्हें तफसील से बताता हूँ। ये डिवाइस बर्फ के टुकड़ों को सुपर कूलेंट में तब्दील कर देता है। ये सुपर कूल है, अगर ये काम कर जाए। भरोसा रखो सालेम। सुपर कूल। क्या ये बर्फ है? क्या बात। लगी ना। मुझे माफ करना खुलूत, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। ताज्जुब है, इस मौसम में बर्फ का गोला मुझसे टकराया। ये क्रायो एक्सीलेटर है? हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर निकला, समझे? ओह, बर्फ तो पहले ही खत्म हो गई। ये तो पिघल रही है। यहाँ बाहर बहुत गर्मी है, कोई ठंडी जगह चाहिए। तो मॉल के मुतालिक क्या ख्याल है तुम्हारा? जा तो रहे, ये भी साथ ले लो, वो जगह एकदम मुफीद रहेगी। नैनो, बहुत खूब, चलो चले। इसे मैं कहता हूँ सुपर कूल। ओबेद, क्या तुम मुझे ये दे सकते हो कुछ वक्त के लिए? रुको जरा, तुम क्या कर रहे हो? देखो। वाह, बैंगनी बर्फ रस भरी जैसा है। ऐसा लगता है तुम्हारी बेवकूफाना इजाद नाकामयाब हो गई मंसूर, है ना? अभी तुमने देखा ही क्या है शम्मा? वो देखो, मंसूर और उसके बेवकूफ दोस्त। हाँ, बेहद बेवकूफ, तुमने सही कहा। और उसकी वो उल जलूल इजाद। आओ चलो मजे लेते हैं, समझ गए ना? मुझे भूख लगी है। ये कौन सी नई बात है उबैद? मैं जोशीला हूँ, काम ज्यादा करता हूँ, इसलिए मुझे भूख भी ज्यादा ही लगेगी, समझे सालिम? उस दुकान पर मजेदार शोरमा सैंडविच मिलते हैं। शोरमा तो मेरी जिंदगी है, आओ चले। तुम सही थी खुलूत, सचमुच ये बहुत ही बेहतरीन शोरमा सैंडविच है। क्या हो रहा है बेवकूफ, या कहूँ बेवकूफो, इनकी तारीफ। हेलो तारिक, तुम्हें कोई और नहीं मिलता है क्या? हमें इसे चैन से खा तो लेने दो प्लीज। सुनो, मैं तो बस दोस्ताना निभा रहा था, लेकिन शायद मेरी जरूरत नहीं। ओ तारिक, मत जाओ, हमें बेइज्जती पसंद है। ओ, बुरा लगा। तुम इन बेवकूफों के साथ क्यों रहती हो शम्मा? ये सब बेवकूफ मेरे दोस्त हैं। दोस्त। खैर,
मैं रुक कर बातें जरूर करता, मगर मेरी भी जिंदगी है तो मुझे जाना होगा। मिलते हैं। मैं तारिक और उसके दोस्तों से तंग आ गया हूँ। अब छोड़ो भी यार, उसे भूल जाओ, मेरे पास बर्फ है। बढ़िया, हम इससे भी मजा ले सकते हैं। हमारी वो डिवाइस यहाँ नहीं है। क्या? यही था, जरूर तारिक ने लिया होगा। नानो, जाकर तारिक को तलाश करो, उन्हें ढूंढना होगा। वो डिवाइस से कोई बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। बैठ जाते हैं, मैं और खुलूद दोनों मिलकर उस पूरे इलाके में अच्छे से ढूंढते हैं, और तुम लोग उस जानिब जाकर तलाश करो। ठीक है, हम सब फव्वारे के पास मिलते हैं। हो गया, मैंने चालू कर दिया। अब इसमें कुछ डालने को चाहिए। शुक्रिया बच्चे। अब देखो। ये फालतू के खिलौने भी मजा दे सकते हैं। ओके, हमें चलना चाहिए दोस्तों। वो जासूस टिन का डिब्बा उन्हें हमारा मुकाम बता देगा। वो कहाँ है? देखो, नैनो आ गया। इसे क्या हुआ? ओ, वो इस गुलाबी चीज से जाम हो गया है। बुढ़िया के बाल। मुझे तारिक मिल गया है। पता है नैनो, किस जानिब? बताता हूँ। चलो हम अपनी डिवाइस को वापस लाते हैं। ठीक है। तारिक, डिवाइस वापस करो। देख क्या रहे हो, आकर ले लो मंसूर। संभल के। नहीं नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। देखो तुमने ये क्या कर दिया। बहुत खूब नैनो, इसे नीचे लाओ। क्या हुआ? लंबी कहानी है, फिलहाल डिवाइस को काबू में करके मॉल के नुकसान को रोकना है। देखो तारिक भाग रहा है। चलो चलें। पता है कैसे रोकना है? इस क्रायो एक्सीलेटर में बस थोड़ी सी तब्दीली करनी होगी। ओबैद, मेरे हाँ कहने पर फव्वारा चालू कर देना। चलो निकल चली यहाँ से। हाँ। पकड़ लिया। ये इन्हें ठंडा कर देगा। इस तकनीक को उल्टा करके इसमें रखी बर्फ को गर्म करने का सरिया भी जरूर होगा। या बड़े हीटर के तौर पर इस्तेमाल करें। शमा, क्या तुम्हारे पास जरिया है? है, यहाँ नहीं ऊपर। बिल्कुल, आफताब। खिड़की दरवाजे खोलो और फिर उसके बाद कुदरत अपना काम खुद कर देगी, देखना। समझ गया। हमें पूरा यकीन है तारिक, दिमाग ठंडा हो गया होगा। मीठे जायकेदार आम की मानिंद थोड़ी बदमाशी की मिलावट। आ जन्नत।
आदाब मिसेस उसने, क्या लेना चाहेंगी? ओ, मुझे पहचान तो लिया होगा। हाँ? टीवी में देखा होगा? नहीं, सच में नहीं। हाँ? क्या सच में नहीं? ट्राड, वो बेहद मशहूर फंदेबाज। कौन? तुमने वाकई मुझे नहीं पहचाना? टीवी पर छोटे बड़े जानवरों को फंसाने वाला, जानवरों से कुश्ती लड़ने वाला। नहीं। तुमने टीवी पर देखा होगा, मुझे पता करने दो, यही कहीं होगा। अगर ऐसा है तो ये काम नहीं करेगा। खलील, कहो क्या बात है? चलाओ इसे। वाकई फिर से? हाँ, इसे फिर से चलाओ। सहारा की रेतीली जमीन से और पैसिफिक की गहराई तक हमारा फंदेबाज ट्रेड, जो मौत को देता है, चकमा और बहुत ही मशहूर है। देखो। देखो, रुको जरा। जब तक ये सब वर्णन ऑरिक्स को काबू करने की कोशिश करते हुए शर्म के मारे गिर नहीं जाते, तब तक ये नहीं मानेंगे। ये वो वीडियो नहीं है जो मुझे इसे दिखाना था। खलील, तुम जोर से नहीं हंसते तो। अगर मैंने ऑरिक्स को एक और शॉट मारा होता तो, अगर अब वो यहीं होता, अगर वो यहाँ होता। देखो देखो। अरे नहीं, ऑरिक्स, मैंने ऐसा रंग कभी नहीं देखा। चलो इसकी नस्ल पता करते हैं। इस ऑरिक्स की नस्ल क्या है? ज्यादा दूर नहीं होगा। मंसूर, मंसूर, तुम्हें हमारी मदद करनी ही होगी। ठीक है, ठीक है। मतलब मुझे कैसे पता होता कि तस्वीर सब पर जाहिर हो जाएगी? क्या? अब पूरी दुनिया इस मासूम गोल्डन ऑरिक्स को देखने के लिए आएगी। ये खत्म हो जाएंगे और इसकी गुनहगार मैं हूँ। शम्मा, रुको। और वो नमूना फंदेबाज ट्रेड कहता है वो आकर इस मासूम जानवर से कुश्ती करेगा। हाँ? कौन? तो हमें किसी भी तरह इस ऑरिक्स को पकड़कर किसी महफूज जगह पर रखना होगा। अरे बैठे मत रहो, कुछ कहो भी। हम उसे कहाँ तलाश करेंगे? आसान है, वो खाता पीता तो जरूर होगा ना। हाँ बढ़िया, हम उसे पकड़ेंगे कैसे? कुची कुची। तो क्या ये सच है, वो अभी भी जिंदा है? ट्रैक्टर तैयार करो, मेरी बात सुन रहे हो ना खलील? तार को निकाल दो खलील, वापस आओ, यहाँ आओ खलील, खलील। हाँ? तार को निकाल दो खलील। Oh, my God.
वो देखो, वो शायद फंस गया। पता नहीं, वो तो मुझे महफूज लगता है। दोस्तों, हमें उसे डराना नहीं, ट्रैक्टर्स को यहीं छोड़ देते हैं। क्या मसला क्या है? क्या इतनी चढ़ाई भी नहीं कर सकते हो? हाँ बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें तुम्हारी फिक्र थी। पानी पानी। गर्मी। पानी पानी, मुझे पानी चाहिए। मेरे पास जूस है। अंगूर? सेब का। ठीक है, चलो अब तैयार हो। हाँ, मैं ठीक हूँ। तैयार हूँ। तो फिर चलो। यही रहो, मैं ट्रैक्टर लेकर आता हूँ। तैयार? ट्राइपॉड नहीं मिल रहा है। बैग में। टेप्स कहाँ है? वो उसी की जेब में है। और बैटरीज? वो उसी जगह पर है। क्या वो चार्ज्ड है? हाँ, तुम शुरू करोगे भी या नहीं? दरअसल मुझे रोशनी पसंद नहीं। चलो भी। ओके ओके, एक्शन। सुनो, ये क्या कर रहे हो तुम? तो तुम्हें क्या लगता है? मुझे कोई अंदाजा नहीं। मैं गोल्डन ऑरिक से कुश्ती लड़ने वाला हूँ। इस पजामे में? ये पजामा नहीं है। मुझे तो पजामा ही लगता है। ये ऐसे काम के लिए अच्छे है, ये तुम कभी नहीं समझोगी। पजामा? पजामा? हाँ बिल्कुल, पजामा पजामा, पजामा। हाँ, मैंने सोचा वो भी पजामा थे। पजामा हो या नहीं, तुम कैमरा मेरे जानिब करो ताकि मैं इस गोल्डन ऑरिक से कुश्ती लड़ सकूं दुनिया भर के लोगों की दिल जोई के लिए। मुझे करना होगा। मुझे ये कुछ छोटा मालूम होता है। पता है, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ये गोल्डन ऑरिक्स खत्म होने को है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये उसकी माँ है और वो बिल्कुल खुश नहीं दिख रही। हाँ? तो वो तुम ही हो? मालिक, फिक्र मत करो, फिक्र मत करो मालिक, सब टेप हुआ है। सच में? मुझे दिखाओ। भाड़ में जाए टेप। मैं उसे तलाश करूंगा और बदला लूंगा, चाहे तमाम दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए। दरअसल अगर तुम गोल्डन ऑरिक्स को टीवी पर डालोगे तो तुम इसकी तमाम नस्ल को एक बार फिर खतरे में डालोगे, और इसे खत्म करने से बेहतर है कि हम सब मिलकर इसकी हिफाजत करें, और ये जिम्मेदारी है हम सब की। याद रखो, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो एक दिन ये सब खत्म हो जाएंगे। इसके मुतालिक एक दिलचस्प मजमून है वर्ल्ड नेचर वेबसाइट पर, आप इसे जरूर पढ़िएगा। तो बताइए, ईमेल क्या है? अब ये बताओ ट्रेड, इस रेगिस्तान में इतनी भाग दौड़ करने के बाद तुम्हें क्या हासिल हुआ? मैं कह सकता हूँ कि सभी गोल्डन ऑरिक्स खत्म हो गए हैं। इंटरनेट पर उसकी तस्वीर महज झूठ है। यकीनन गोल्डन ऑरिक्स अब महज एक अफसाना है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। शम्मा, तुम्हारा भेजा मजमून बेशक बेहतरीन होगा। हाँ, बेहतरीन मजमून, लेकिन उसके साथ एक और मजमून था जिसने उसकी ज़हनियत को बदल दिया होगा। एक और? ये वीडियो जो फोन से उतारी थी।
हेलो, ये तो बुरा हुआ। मैं अभी मंसूर को भेजती हूँ। खुदा हाफिज। अबेद की अम्मी का फोन था। अबेद नींद में चलते हुए घर से कहीं चला गया है। तुम उनकी मदद करो, जाओ जाकर अबेद को ढूंढो। हाँ, हाँ। सालेम, मामला संजीदा है, तुम्हारी और तुर्की की मदद चाहिए। उबैद नींद में चलता है, यानी वो चला गया और वो भी गहरी नींद में सोते हुए। हाँ, अब हमें उसे ढूंढ कर वापस घर लाना है। लेकिन वो कहीं भी जा सकता है, तो हम उसे कहाँ ढूंढेंगे? सच है, लेकिन पता है वो कहाँ है? हाँ, कहाँ? वो रहा। वो तो एक ज़ॉम्बी लग रहा है। हेलो, मैं मंसूर। उबैद मिल गया। ओ, बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा मंसूर। हम उसे घर लाते हैं। सलेम उसे जगाने जा रहा है। ओ नहीं नहीं नहीं, उसने यूं यक बियक जगाना खतरनाक हो सकता है। उसे गहरा सदमा लग सकता है। या मेरे खुदा, मैं तो बस उबैद को जगाने ही वाला था। तुम उसे जगाए बिना घर लेकर आ सकते हो? ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं। आसान है, वैसे क्या गड़बड़ हो सकती है? हाँ? हाँ? ओह हाँ? नहीं, जल्दी हमें वो लाइट सब्स करनी होगी। हाँ? 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 जल्दी जल्दी। बदलो 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 जल्दी। लाइट जल्दी बदलनी चाहिए। जल्दी सलेम। सालेम, उसे पकड़ना होगा। हाँ, सिग्नल से पहले। उबैद बाल बाल बच गया। अरे नहीं, वो बैद को जगा देगा। तुम उसे म्यूजिक सुनाने क्यों जा रहे हो? इन ईयरफोन से शोर दब जाता है। ओ अच्छा। हेलो मंसूर, उबैद ठीक तो है ना? हाँ, फिक्र ना करें, वो ठीक है। हाँ, सब ठीक है, हम उसे घर लाते हैं। अल्लाह हाफिज। ओह नहीं, वो तो अंदर जा रहा है। हमें उसे निकालना होगा, ये बेशकीमती सामान है, वो बड़ी मुसीबत में पड़ सकता है। पकड़ लिया। चलो। कोई कैसे इतना सोते सोते चल सकता है? ओह नहीं नहीं नहीं, जल्दी कश्ती को बहुत तेज चलाओ। तुर्की, कश्ती को घुमा दो। ओह उसे जल्दी जगाना होगा। नहीं, मुझे नहीं लगता। अभी बताता हूँ।
संभल गए। चलो उबैद के साथ रहें। मैंने कहा वहीं रुक जाओ। मुझे यकीन नहीं होता वो गार्ड पानी में गिर गया। मुझे यकीन नहीं होता वो अभी सो रहा है। लगता है वो टीवी स्टूडियो में जा रहा है। अरे नहीं। तो मुझे अपने ताजा वेंचर के बारे में बताइए। बिल्कुल, हम एक बेहतरीन वाटर पार्क तामीर करने वाले हैं जो अब तक का सबसे बड़ा होगा। तो पकड़ लिया तुमने। वो कहाँ है? वो वहाँ है। कमाल है, नींद में भी भूख लगी है। मुझे लगता है वो जरूर खाने का ख्वाब देख रहा होगा। हाँ मगर ये ख्वाब बहुत डरावना है। माफ करना। सॉरी सॉरी। बिल्कुल, उसे अनानास पसंद है। मैं समझ गया उसे घर कैसे लेके जाना है। कैसे हो मंसूर? नैनो ये अनानास पकड़ो। आओ दोस्तों घर चलें। यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है? हमारा दोस्त नींद में चलता है। लेकिन उसे नहीं जगा सकते। हाँ सही कहा, इसलिए हम सब उसके मनपसंद फल का सहारा ले रहे हैं। अब मैं समझ गया, ये सब पहले क्यों नहीं बताया? कोशिश की थी। माफ कीजिए, आपकी मछली की बदबू से भटका रही है। ओ, मुझे माफ करना। खैर, खुदा हाफिज। मेरी बैटरी खत्म होने वाली है मंसूर। ठीक है नैनो। दोस्तों थोड़ी तब्दीली है, इसे मेरे घर ले चलते हैं जो नजदीक है। मैं बता देता हूँ। सलाम अलैकुम। आदाब आंटी। मैंने अनानास के मुतालिक प्यारा सा ख्वाब देखा। मैंने हेडफोन्स क्यों पहने हैं? मैं तुम्हारे सोफे पर क्यों सोया हूँ मंसूर? तुम गहरी नींद में चल रहे थे उबैद, हम तुम्हें बाहर से लाए हैं। ओह शर्मनाक। चलो अच्छा है कि तुम लोगों के अलावा किसी और ने मुझे नहीं देखा। महज हमने नहीं देखा उबैद। क्या मतलब, और किसने देखा मुझे? सबने। ओ नहीं।
और अब वो आखिरी चक्कर में दाखिल हो गए हैं। वो नजदीक आ रहे हैं। तुम मेरे बिना आगे बढ़ जाओ। इस रेस में अव्वल आना बिल्कुल आसान नहीं होगा। और ये जीत गया मंसूर। औरतें सलेम, तुम कर सकते हो। उससे आगे निकलो मोटे। बहुत खूब सालेम। सुनो, वो आखिरी आना चाहिए। अब ये आखिरी तीन की लड़ाई है और तीनों खिलाड़ी भाग रहे हैं और हमारे आखिरी खिलाड़ी रह गए हैं। लगता है तुम्हें आखिरी लफ्ज की आदत डाल लेनी चाहिए सालेम। फिक्र मत करो सालेम, अगले हफ्ते फिर रेस होगी, इसकी फिक्र मत करो। देखो, तुम इससे भी बेहतर कर सकते हो। शायद। सुनो बच्चे, ये ट्रेनर्स खरीदोगे? ये जूते मेरे किस काम के? शुक्रिया जनाब। ये बहुत खास जूते हैं, तुम इनसे बहुत तेज दौड़ोगे। नहीं शुक्रिया। ये पहनकर तुम कोई भी रेस जीत सकोगे। हाँ कैसे? देखो, तुम्हें दिलचस्पी नहीं है तो। रुको रुको, मैं ये लूंगा। तो फिर ठीक है, देखते हैं इन जूतों से क्या मदद मिलती है। मैं रुक नहीं रहा, मेरी मदद करो। क्या बात है, मुझे ये जूते मंसूर को दिखाने चाहिए। ये पेडलर ने दिया क्या? फिक्र मत करो मंसूर, ये जो जूते हैं वो बहुत ही तेज हैं और इन्हें रोकना मुश्किल हो जाता है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। दिखाओ जरा। हाँ तो भागो। मेरी मदद करो, मैं रुक नहीं पा रहा। पकड़ो। माफ करना। अरे वाह, ये तो वाकई तेज है। सलेम, पता है तुम इसे कैसे रोक सकते हो? कैसे? रियाज से। और वो तुम्हें कैसे करना है इसका तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ। सलेम, कैसा चल रहा है? मुझे लगता है मैं इन्हें काबू करना सीख रहा हूँ। देखो, तुमने कर दिया सलेम, तुमने जूतों पर काबू कर लिया। तुम जाकर एक बेहतरीन कोशिश क्यों नहीं करते? मैं करूँगा। बचा लिया। अम्मी। तुम महफूज हो। शुक्रिया। कोई बात नहीं। मैं ले आता हूँ। ले
आया। बढ़िया बिल्ली। जाना नहीं, मैं आता हूँ। तुम बस पकड़ सकते हो। ख्याल रखना। तुम ये भूल गए। शुक्रिया। अरे नहीं। हे जालिम, तुम्हारा दिन कैसा रहा? बहुत ही कमाल का। मैंने बहुत लोगों की मदद की इन जूतों की वजह से, लेकिन ये अब खराब हो गए हैं। इन्हें ठीक कर दो ना मंसूर। ताकि तुम लोगों की मदद करते रह सको। नहीं, मुझे अगली रेस में तारिक को हराना है। तो ठीक है सलेम, मैंने रेस से पहले जरूर ठीक कर दूंगा। आप सभी हाजिरीन का खैर मकदम है। अगली रेस कुछ ही लम्हों में शुरू होगी। वो कहाँ है? वो दोनों कहाँ रह गए? सलेम, सलेम, हे, हे। मंसूर, मेरे जूते। लो, बिल्कुल नए जैसे हो गए हैं। शुक्रिया मंसूर। क्या तुम फिर से हारने के लिए तैयार हो सालेम? लगता तो नहीं तारिक, मेरे पास ये है। ओ, मेरे पास भी। ये जूते कहाँ से मिले? सभी दौड़ाक अपनी पोजीशन पे आए। फिर से एक बार तैयार हो जाओ हारने के लिए। On your mark, get set, go! अरे ये क्या हो रहा है? कोई मेरी मदद करो। तारिक का एक बेहद अजीब अंदाज, लेकिन वो गलत राह पर है और उसके साथ जवान और जमील भी। मंसूर सबसे आगे है, अगर सलेम अभी धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है। सलेम की दौड़ काबिले तारीफ है। देखते हैं कि क्या वो मंसूर को पकड़ पाएगा। सलेम तेज दौड़ते हुए मंसूर के बगल में पहुंच गया है। सलेम निकल गया, सलेम निकल गया और वो रेस जीत गया। जीत गया, मैं रेस जीत गया। बहुत खुश सालेम। मैंने तो अपने जूतों की वजह से तुम दोनों को हराया है मंसूर। वैसे ये इतने भी तेज नहीं लगते मुझे। क्योंकि ये अब महज आम जूते हैं सालेम। हाँ, इन्हें हटा दिया था। इन्हें लगा कि दौड़ते तो एक बेईमानी होती थी। तुम्हारा मतलब है कि? हाँ, तुमने से खुद जीता है। हाँ?
कितना बड़ा है। आओ डायनासोर के साथ तस्वीरें लेते हैं। तुम दोनों की शक्लों से लगता है कि डायनासोर तुम्हें खा जाएगा। नहीं, वो हमें हरगिज नहीं खाएगा क्योंकि वो गोश्त खोर नहीं है। मामला बहुत नजदीक का था। तूफान ठीक हमारे सिर पर है। जरा उन्हें तो देखो, यहाँ से तो पूरा मॉल दिखाई दे रहा है। ये है वो डायनासोर जो हमने देखा, तो हम यहाँ होंगे। जरा उधर देखो, वहाँ एक आइसक्रीम की कियोस्क है। तवज्जो दे, पावर में तब्दीली होने जा रही है और इसीलिए तमाम खरीदारों से इल्तिजा है कि वो नजदीकी बाहर जाने वाले गेट की तरफ जाएं। चलो आओ दोस्तों, चलते हैं। दरवाजा लॉक्ड है, हमें इसे खोलने के लिए सीक्रेट कोड का इस्तेमाल करना होगा। ये क्या हो रहा है, यहाँ सिग्नल भी नहीं है और लाइन भी कटी हुई है। अब हम बाहर कैसे निकलेंगे? तो ये मुश्किल आसान करेगा नैनो। हेलो नैनो, दरवाजा खोलने में मदद कर सकते हो? मैं कोशिश करूँगा। बहुत माता पच्छी करने के बाद पता चला कि इसमें अमूमन 4 करोड़ कॉम्बिनेशन मौजूद है जिनसे ये खुल सकेगा। अभी भी सिग्नल नहीं है। हाँ नैनो, नंबर हासिल हुआ? मैं थक गया, बैटरी खत्म होने को है। मैंने 32 करोड़ कॉम्बिनेशन ट्राई कर लिए लेकिन सही कोड नहीं मिला। मैं फिर कोशिश करूंगा। हाँ, अच्छी खबर मंसूर, मुझे कोड मिल गया है। बहुत अच्छे नैनो, बहुत खूब। आ जाओ, तुम्हें आराम की जरूरत है। हेलो, कोई हमें सुन रहा है क्या? हाँ बेटा। हेलो अब्बा। तुम कहाँ हो? हम ठीक हैं, लेकिन हम एक मॉल में बंद हो गए अब्बा। मैं आता हूँ। जी ठीक है, आइए आइए इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखना। जी हाँ बिल्कुल, मेरे अब्बा हमें लेने आएंगे, उनकी आमद तक हमें ऐसे ही मॉल में रहना होगा। मेरे पास एक तजवीज है। हाँ? अब ये मॉल हमारे कब्जे में है, क्यों ना थोड़ा इसका फायदा उठाया जाए। चलो बहुत मजा आएगा। यकीन नहीं होता तुम फिश टैंक में तैरे। अपना चेहरा देखते जब वो शार्क नमूदार हुई थी। ये कैसी ही हालत हुई थी तुम्हारी। कोई बात नहीं सले। बेहतरीन, क्यों ना रेस हो जाए। Thank you.
मैंने कहा था ना सलीम, बेफिक्र रहो, मैं सब संभाल लूंगा। कैसे? पहले मैंने रफ्तार और दूरी का अंदाजा लगाया और जान लिया कब एक महफूज जगह पर रुकना है। फिजिक्स भी डरावनी है। बाल बाल बचे हम। माफ करना। उफ, अब हम क्या करेंगे? हेलो अब्बा। हाँ हम सब खैरियत से हैं, लेकिन आप कहाँ हैं अब्बा? मैं आ रहा हूँ। ओके ओके, इंशाल्लाह, खुदा हाफिज। अब्बा सिक्योरिटी गार्ड के साथ 20 मिनट में पहुंच जाएंगे। क्या 20 मिनट में? सचमुच? हमारे पास इस डायनासोर को पहले जैसी सूरत देने के लिए बहुत कम है। फिक्र मत करो सालिम, ये मेरी गलती है और इसकी जिम्मेदारी भी मैं ही लूंगा। फिक्र मत करो, हमें इसे ठीक करना ही होगा। पहले कारों को वहाँ खड़ा करते हैं, फिर यहाँ आते हैं। आओ ओबैद के पास चलते हैं। ओबैद, ये तुम क्या कर रहे हो? परेशान मत हो, मैंने बस कर दिया। कैसा लगा? नहीं 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 ओबैद, ये डायनासोर नहीं दिख रहा। खामोश, मेरा अब्बा की आमद में अभी 10 मिनट का वक्त बाकी है। अकेले ये कोई नहीं कर सकता, हम एक दूसरे की मदद से कामयाब हो जाएंगे, समझे? तो शुरू करते हैं। तुम दोनों टांगे तलाश करो, तुम दोनों इसकी गर्दन और पूंछ और मैं इसका जिस्म। चलो अब जल्दी करो। इसकी सिर की हड्डी कहाँ है? ये क्या? तुमने इसे मुकम्मल क्यों नहीं किया? हेलो अब्बा। पार्किंग में हूँ। कब तक पहुँचेंगे अब्बा? 1 मिनट में। ओके। हाँ बेटा। पावर कब तक चालू होगी? आने वाली है। बेहतर है, तो फिर आप आइए। मैं पहुँच रहा हूँ। हम आपका इंतजार करते हैं। बस 1 मिनट। फिक्र मत कीजिए, हम खैरियत से हैं। सिर्फ 60 सेकंड बचे अब्बा के आने में, और इसके साथ सारे सीसीटीवी कैमरे हरकत में आ जाएंगे। आने से पहले हमें इसे मुकम्मल करना होगा। हाँ, ये तो बहुत ज्यादा ऊंचा है। मंसूर, नानो परवाज भर के इसकी सिर की हड्डी नहीं जोड़ सकता? नहीं, इसकी बैटरी बेदम हो चुकी है। क्या मुनासिब है। मंसूर, बच्चों, खैरियत तो है ना? हाँ अब्बा। हम माफी चाहते हैं, हमने सोचा कि आप सब बाहर निकल चुके हैं, यकीनन आप लोग यहाँ बहुत बोर हुए होंगे। आपने वक्त कैसे गुजारा? हमने कुछ भी नहीं किया। हाँ? क्या? ये मैंने नहीं किया इस मर्तबा। मंसूर, मंसूर, मंसूर।
हम आ ही गए। जरा वो जजीरा तो देखो। वाह, खूबसूरत है। यकीन नहीं होता कि मैं पैसिफिक ओशियन में हूँ। कुछ देर में बीच पर मिलते हैं, घूमो और मजे करो, लेकिन हाँ एहतियात से। जरा देखो तो। ओ, ये तो कमाल की पनडुब्बी है। क्यों ना इसकी सवारी की जाए, इसमें बहुत मजा आएगा। हमें इजाजत हरगिज नहीं मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी पनडुब्बी बहुत अच्छी है। शुक्रिया। आप इसमें क्या करने वाले हैं? हम मरियाना ट्रेंच की गहराई में जाएंगे, जो समंदर का सबसे गहरा और अछूता हिस्सा है। उम्मीद है हम वहाँ कोई नई चीज हासिल कर पाए। जैसे कि उबैद का दिमाग। मजा नहीं आया। आपको क्या मिल सकता है वहाँ? अभी कुछ पता नहीं है। समंदर के अंदर की दुनिया से लोग अब तक काफी नावाकिफ हैं। मुख्तलिफ किस्म के क्रीचर्स मौजूद हो सकते हैं। समंदर में हैरान करने वाली चीजें होती हैं, बहुत बड़ी और बहुत खतरनाक, जिनके तलाश करके आप पशेमान हो जाते हैं। मैं बहुत कुछ करना है। खुदा हाफिज, मिलकर अच्छा लगा। चलो जजीरे का नजारा लेते हैं। माफ करना मुझे, ये मेरी एक नई इजाद है। ये क्या है? होलोग्राफिक प्रोजेक्टर है। देखो इसका निशाना किसी भी जानिब करो, एक दफा बटन दबाओ, उसकी तस्वीर को खींच लो और फिर देखो उसका होलोग्राम। ओ, ये कितना मायूस हो गया है। कुछ खाने के लिए चाहिए? ये खाओगे तुम? अरे वाह, इसे मैं पसंद हूँ। क्योंकि तुमसे केले की खुशबू आती है। देखो। यहाँ आओ, देखो मैं तुम्हें खाना दूंगा। बच्चे मेरे पास आओ। खुद मुख्तार डुबके शुरू। उबैद, नहीं 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 नहीं, ये वाकई बुरा है। इसने तकरीबन सब खा लिया। उबैद, अभी और भी बड़ी परेशानियां हैं यहाँ। मसलन? जैसे कि तुमने अभी पैदा की है। गोता चालू है, हम समंदर की जमीन से तकरीबन 6 किलोमीटर दूर हैं। अब हम क्या करेंगे? बेटा तो फिर सवारी एंजॉय करें, करने को कुछ है भी तो नहीं। बच्चों, क्या मुझे सुन रहे हो? सब खैरियत है? हम सुन रहे हैं। सब ठीक है यहाँ। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? किसी का पीछा कर रहे थे, जिसे वो बैग खाना खिलाना चाहता था, तभी उस वक्त गलती से लॉन्च बटन दब गया। किसका पीछा कर रहे थे? अरे नहीं, मेरी पनडुब्बी में बंदर। परेशान मत हो, तुम सब महफूज हो। जब तक तुम खामोशी से बैठे रहोगे, पनडुब्बी तयशुदा रास्ते पर समंदर के सबसे गहरे हिस्से की जानिब बढ़ रही है। इत्मीनान से बैठे रहें। देखो,
अजीबोगरीब चीजों के दीदार हो रहे हैं। अजीबोगरीब चीजें अंदर भी है, देखो मंसूर, एक बंदर, आधा बंदर आधा लड़का। ये मारियाना ट्रेंच है, कोई इंसान यहाँ तक पहले कभी नहीं। क्या बंदर इस गहराई तक पहुँचा है? नहीं 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 लड़के, ना बंदर ना ही इंसान आज तक इस गहराई तक नहीं पहुँचे। हमें स्कैनर पर कोई जिंदा चीज दिख रही है। वो केकड़ा हाथी से भी बड़ा है। तकरीबन 10 हाथियों से भी बड़ा है ये तो। हाँ, केकड़ा सलाद बन सकता है, वो भी इतना बड़ा। क्या देख रहे हो तुम लोग? कमाल है, आज तक इसे कैसे किसी ने नहीं देखा। इसकी कद काठी तो देखो, ये तो बेहतरीन खोज है, बेमिसाल। देखो तो सही कैसे देख रहा है। जैसे ओबेद आइसक्रीम की जानिब देखता है। वो हमें खाना समझ रहा है शायद। डरो मत बच्चों, लेकिन ये अच्छा नहीं है। तुम्हें कुछ करना चाहिए। मुझे अफसोस है, हम कुछ नहीं कर सकते। पनडुब्बी तयशुदा रास्ते पर है, इसे रोक नहीं सकते। इसी जानिब आ रहा है। और हम भी उसी जानिब जा रहे हैं। हमें यहाँ से निकालो। हम क्या कर सकते हैं? सोचो मंसूर, सोचो जरा। तो फिर क्यों ना हम लोग आखिरी बार खाना खा ले। हाँ, नैनो, क्या तुम इसका सिस्टम ओवरराइड करके मुझे इसका इख्तियार दे सकते हो? कोशिश करूंगा। जल्दी करो नैनो। कोशिश करो नैनो, नहीं तो हम सभी इस केकड़े की खुराक बन जाएंगे। जल्दी करो नैनो, जल्दी। सिस्टम ओवरराइड मुकम्मल हो गया। खुद मुख्तार मुताला काम किया गया है। बहुत खूब नैनो, बहुत खूब। अब हम यकीनन बाहर निकल सकते हैं। क्या ये थोड़ी और तेज चल सकती है? इससे तेज और नहीं। पकड़ लिया। अब क्या करना मुनासिब होगा? मैं समझ गया, इसे किसी बड़ी चीज से डराना होगा। चलो देखते हैं केकड़े को किंग कॉन्ग कैसा लगेगा। वो बेअसर हो गया, हम तो काई काम से। केकड़ा इतने बड़े बंदर से क्यों नहीं डरा? अब कैसे डराएंगे? इससे जरूर खौफजदा होगा। क्या देखो, इतनी डरावनी चीज पहले कभी नहीं देखी। हमने कर दिखाया। सालिम, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी खौफनाक शक्ल से केकड़ा खौफ खा गया। कोई बात नहीं, तो क्या अब हम उसके वापस लौटने से पहले जा सकते हैं? हाँ, यही बेहतर होगा। चलो घर चलते हैं। सही सलामत लौट आए, बढ़िया। हाँ हाँ, और तुम लोगों ने बहुत अच्छी चीज ढूंढ निकाली। क्या करतब था तुम्हारी इस तलाश को सलाम करते हुए। इसका नाम रखते हैं मंसूर केकड़ा। तुम्हें और केकड़े को एक ही नाम मिला। मेरा नाम मंसूर है, मेरा नाम मंसूर है। सालिम की शक्ल के अलावा मुझे और कुछ भी नहीं।